एनसीपी चीफ शरद पवार इन दिनों उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। इसके पीछे कई वजह है। महाअघाड़ी सरकार में शामिल दो घटक दल के प्रमुख आमने सामने हैं। बीते कुछ दिनों से सीएम ठाकरे और पवार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। भीमा कोरेगांव अलगार परिषद मामले की जांच एनआईए को सौंपने को लेकर तकरार शुरू हुआ था, उसके बाद सीएए और एनपीआर पर विवाद बढ़ा और अब उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाने के बयान के काट में शरद पवार अयोध्या में मस्जिद निर्माण का राग अलाप रहे हैं। दरअसल एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र सरकार पर धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। शरद पवार ने अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिद के लिए कोई ट्रस्ट नहीं बनाया गया, जबकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। पवार ने मस्जिद बनाने के लिए सरकार से ट्रस्ट बनाकर मदद देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए भी ट्रस्ट बनाए और मदद मुहैया कराए। बता दें कि एनसीपी अध्यक्ष अपनी पार्टी के राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए 19 फरवरी को लखनऊ में थे। शरद पवार ने अचानक मस्जिद बनाने के लिए मोदी सरकार से ट्रस्ट बनाने और मदद करने का मांग उद्धव ठाकरे के अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने के जवाब में पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा ट्रस्ट बनाए जाने के बाद शिवसेना ने कहा था कि मंदिर बनाने में उसका भी योगदान रहेगा। ऐसे में इसके जवाब में शरद पवार मस्जिद बनाने में योगदान देना चाहते हैं। पवार ने यह भी कहा कि सीएए और एनआरसी में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, जबकि उद्धव ठाकरे आजकल सीएए और एनपीआर के समर्थन में बोल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी शिवसेना से खफा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे राज्य में एनपीआर लागू करने को लेकर मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। बहरहाल महाअघाड़ी गठबंधन सरकार का हर पहिया अभी से ही अलग अलग दिशा में भागने लगा है। ऐसे में ठाकरे सरकार के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी की चुनाव में हो रही दुर्दशा को लेकर दिग्गज नेताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। दिल्ली चुनाव में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन पर कांग्रेस में सिरफुटवल का सिलसिला थम नहीं रहा है और अब गांधी परिवार के खिलाफ विद्रोह का रूप अख्तियार कर चुका है। ऐसे में गांधी वाड्रा परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के सुर बुलंद हो रहे हैं, उससे गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। दरअसल शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कांग्रेस नेतृत्व को लेकर वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए हैं। संदीप दीक्षित ने आलाकमान की तरफ से तय हो रही नीतियों पर खुलकर निशाना साधा है, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने संदीप दीक्षित के बयान का खुलकर समर्थन किया है। कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस के मतभेद बता रहे हैं कि पार्टी नेताओं पर गांधी परिवार का प्रभाव कम होता जा रहा है। एक साक्षात्कार में संदीप दीक्षित ने कहा कि इतने महीने बाद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता डरते हैं, यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष की तलाश नहीं हो पाई है। उनकी डर की वजह यह है कि आखिर कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है, अब भी कांग्रेस में कम से कम 6 से 8 नेता हैं जो अध्यक्ष बनकर पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, संदीप दीक्षित ने जो कहा है वह देश भर में पार्टी के दर्जनों नेता निजी तौर पर कह रहे हैं। इनमें से कई नेता पार्टी में जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं CWC से फिर से आग्रह करता हूं कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और संचार करने और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए नेतृत्व का चुनाव कराएं। बहरहाल अब गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हो गए हैं।
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल मंत्री के बयान से घमासान मच सकता है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो मरना चाहता है उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दंगाइयों ने गोली चलाई और उन्हीं की गोली से प्रदर्शनकारियों की जान गई थी। इसके बाद पलटवार करते हुए उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सीएम योगी की तुलना जनरल डायर से कर दी। नवाब मलिक ने कहा कि जिस तरह से आदित्यनाथ जी ने कहा कि मरने को आएंगे तो जिंदा कैसे जाएंगे, उसे लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है, इसके बावजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जनरल डायर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने उन प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने की बात कही थी जिसने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उद्धव सरकार में शामिल एनसीपी और कांग्रेस सीएए का विरोध कर रही है, जबकि शिवसेना सीएए के समर्थन में है। फिलहाल महाघाड़ी गठबंधन में सीएए और एनपीआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी से दगाबाजी करके शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे सीएम बन गए, लेकिन इसके लिए शिवसेना को केंद्र सरकार से अलग होना पड़ा था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना और बीजेपी में जारी सीएम पद को लेकर खींचतान की वजह से शिवसेना कोटे से केंद्र में मंत्री अरविंद सावंत को इस्तीफा देना पड़ा था। महाघाड़ी सरकार बनने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने अरविंद सावंत को इसके लिए इनाम दिया। उद्धव ठाकरे ने 14 फरवरी को ही अरविंद सावंत को राज्य की संसदीय समन्वय समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। 3 सदस्यीय इस कमेटी का गठन खुद मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था, जिसके प्रमुख सावंत को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख समन्वयक बनाया गया था, जिससे उन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा हासिल था। लेकिन अब बीजेपी के खौफ की वजह से अरविंद सावंत और रविंद्र वायकर को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त दो शिवसेना नेताओं ने लाभ के पद पर काबिज होने के आरोप से बचने के लिए अपना इस्तीफा सीएम उद्धव ठाकरे को भेज दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है और इसे आगामी बजट सत्र में उठाया जाएगा। शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार को डर था कि बीजेपी आगामी बजट सत्र में इन नियुक्तियों को मुद्दा बना सकती है, जिससे शिवसेना बैकफुट पर आ सकती है। इसलिए बीजेपी के आरोप लगाते ही अरविंद सावंत और रविंद्र वायकर ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा का मिजाज इन दिनों बदला बदला सा लग रहा है। लगता है शत्रुघ्न सिन्हा को समझ आ गया है कि बीजेपी से पंगा लेकर उनकी राजनीतिक करियर परवान नहीं चढ़ सकता। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक अमित शाह की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। शत्रुघ्न ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मास्टर रणनीतिकार बताया। उन्होंने मरांडी के लिए घर वापसी और 14 साल का वनवास खत्म जैसे शब्दों का जिक्र किया, जिसके बाद उनकी घर वापसी की चाहत के कयास भी शुरू हो गए हैं। शत्रुघ्न ने ट्वीट करके लिखा कि मास्टर स्ट्रेटजी गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम ने जबरदस्त छवि, ईमानदार, विश्वसनीयता, नेतृत्वकर्ता के गुण वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को वापस लाकर मास्टर स्ट्रोक चला है। उनकी घर वापसी के साथ ही 14 साल का वनवास खत्म होता है। बता दें कि अमित शाह ने JVM का बीजेपी में विलय होने पर बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया था। विलय होने पर अमित शाह ने कहा था कि मुझे खुशी है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी में लौट आए हैं। बहरहाल बगावत के बाद शत्रुघ्न को नया घर यानी कांग्रेस तो मिल गई थी, लेकिन शत्रुघ्न राजनीतिक मैदान से लगभग गायब हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रति उनका नरम रवैया
कई तरह के संकेत दे रहा है। अब शत्रुघ्न सिन्हा को अमित शाह स्वागत करते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में घर वापसी की बात जेहन में आना लाजमी है। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर पंजाब की सियासत फिर से गर्मा गई है। सिद्धू इन दिनों कांग्रेस आलाकमान से काफी नाराज चल रहे हैं। बीजेपी छोड़कर सिद्धू कांग्रेस में ये सोच कर गए थे कि उन्हें पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की एक नहीं चलने दी और बता दिया कि पंजाब कांग्रेस का बॉस कैप्टन ही है। विवाद इतना बढ़ा कि सिद्धू को पंजाब कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ा और पिछले काफी समय से खामोश सिद्धू के अब अगले राजनीतिक सफर और कदम को लेकर कयासबाजी तेज हो गई है। दरअसल सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लग रही है, तो तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय से राजनीति से गायब सिद्धू फिर से चर्चा में आ गए हैं और इस बार कांग्रेस से अलग होकर वे राजनीतिक पिच पर नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान ने कहा कि सिद्धू की छवि साफ है और आप में सभी अच्छे लोगों का स्वागत है। मान ने यहां तक कह दिया कि पार्टी में सीएम के चेहरे को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू आपकी ओर से 2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। बहरहाल इन खबरों के बीच कांग्रेस की ओर से सिद्धू को मनाने की कोशिश की गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सिद्धू से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि सिद्धू जल्द ही कांग्रेस को बाय बाय बोल सकते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस फिलहाल बुरे दौर से गुजर रही है और दिल्ली चुनाव में जो पार्टी का हाल हुआ वो काफी चिंताजनक है। ऐसे में कांग्रेस फिर से अपने आप को खड़ा करने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू करने जा रही है, लेकिन पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी का आलम यह है कि कांग्रेस के नेता आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। दिल्ली में मिली करारी हार के बाद भी पी चिदंबरम और अधीरंजन चौधरी जैसे नेता बीजेपी की हार से काफी खुश दिख रहे थे। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के नेताओं ने उन पर भड़ास निकाली। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी और अलका लांबा ने कांग्रेस के इन नेताओं पर नाराजगी जाहिर की थी। अलका लांबा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिलकर इन नेताओं की शिकायत की थी और अब चुनाव में करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस इस बार दिल्ली के लिए नया अध्यक्ष चुनने में लेट लतीफी नहीं करेगी। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के अंतरिम प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार दिल्ली कांग्रेस का कमान अलका लांबा को दिया जा सकता है। हाल ही में अलका ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। बहरहाल दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए कई दावेदार हैं। ऐसे में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के ऐलान के बाद पार्टी में गुटबाजी और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।